किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी चल रही है। हरियाणा में कहां कहां क्या तैयारी की गई है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। 13 जनवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस ने किसानों को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए मॉक ड्रिल के दौरान आंसू गैस के गोले दागे। गोले दाग कर तैयारियों को परखा गया कि अगर अचानक भीड़ आ जाती है तो उससे कैसे निपटना है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लोहे के कांटे बिछा दिए हैं। घग्गर पुल के सुरक्षा कवच को बढ़ाकर 4 लेयर में तब्दील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर बीएसएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। अंबाला पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के हिसार फतेहाबाद रोड को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कितने जवानों को तैनात किया गया, जानिए इस रिपोर्ट में। शंभू बॉर्डर के बाद हरियाणा के हिसार फतेहाबाद रोड पर भी किसानों को रोकने के लिए 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने लोहे की कीलों के साथ बैरिकेड लगाए हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 9 को वन वे किया गया है, जिससे एक साथ ज्यादा संख्या में किसान बॉर्डर तक ना पहुंच पाए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हिसार फतेहाबाद बॉर्डर पर अर्धसैनिक और पुलिस के करीब 2000 जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की निगरानी के लिए 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। अग्रोहा में भी सीआरपीएफ की 1 कंपनी पहुँच चुकी है, जबकि 2 कंपनियाँ आज पहुँचेंगी। और हरियाणा पुलिस के बंदोबस्त के बीच किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उन्हें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए बॉर्डर इलाकों को छावनी में तब्दील करने पर किसान संगठनों ने विरोध जताया है। भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने सरकार को चेतावनी दी कि किसानों को दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता। लाठी और बंदूक से किसान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। किसान अपनी मांगों को लेकर, मानी हुई मांगों को लेकर अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। हमारी मांगे एमएसपी पर गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव, किसान और मजदूर के संपूर्ण कर्जा माफी, टोटल 12 मांगों को लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है 13 फरवरी को। कांग्रेस ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार से किसानों को कमेटियों में उलझाने की बजाय उनकी समस्याओं के समाधान करने की अपील की। किसानों के दिल्ली कूच का कांग्रेस ने समर्थन किया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि किसान वही मांग रख रहे हैं जिन्हें पूरा करने का वादा सरकार पहले ही कर चुकी है। हुड्डा ने कहा, मोदी सरकार किसानों के साथ बैठक तो कर रही है, लेकिन समस्या को समाधान करने के बजाय उनको उलझा रही है। सरकार से हमारी मांग है कि बिना देरी किए किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, जिससे रोज रोज अन्नदाताओं को आंदोलन न करना पड़े। केंद्र सरकार ने पहले भी कमेटी बनाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया था।